आपने कभी भी पेगा गांव में आकर सड़कों के बारे में, खंभों के बारे में कभी आपने साइड विजिट नहीं करी, कभी गांव वालों से नहीं मिले, कभी ग्रामीण विकास मंत्री पेगा ने पत्रकारों के माध्यम से आपके पास अपने खबर पहुंचाई? हम हर जगह रोए, हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई है, आपकी क्या जिम्मेदारी है? वो मुख्यमंत्री का हल्का उठते हो, अभी आप लापरवाही बन रहे हो है? कल हम डीसी का पेश होंगे, ये जिसको कहाँ कर रहे हो कार्रवाई? आप, मैंने आपको कह दिया, आपने जय को कह दिया, जय ने सुपरवाइजर को कह दिया और सारे सामने अपने घर चले गए, और कभी आई मेरे पास रिप्लाई आपकी कि मास्टर जी हम इस पॉइंट पर पहुंच गए हैं और इस पॉइंट पर गांव वाले आप भी पहुंचो, आप इतना इतना काम हम करेंगे, इतना गांव वाले सहयोग करेंगे। मैं सतपाल बोल रहा हूँ सर। सर प्रियंका बोल रही हूँ, पत्रकार अलीबा ब्लॉक से सर, पेगा गांव से फिलहाल। तो सर यहाँ पे आज आपके मामला संज्ञान में होगा कि बीच में पोल खड़ा है, कई बार खबरें भी लग चुकी है। हाँ जी। तो आज यहाँ पर एक्सीडेंट हुआ है सर उस पोल के कारण। मैडम पोल तो देखो, सड़क का काम अभी हमारा धोरा चल रहा है, पूरा तो हुआ नहीं काम हमारा जी, ठीक है, हम काम कर रहे हैं। जो पेगा गांव के आदमी है, कई बार पीडब्ल्यूडी है, जो विकास मंच के चुके हैं, जो रोड के बीचों बीच तीन चार महीने हो गए, लेकिन कई बार गांव वाले खंभे को लेकर पीडब्ल्यूडी विभाग को और साथ में बिजली निगम को भी अवगत करवा चुके हैं कि बीच से खंभा हटाया जाए, लेकिन इस समस्या का कोई समाधान नहीं किया जा रहा है। लेकिन सर एक बात बताइए सर, आज हादसे में अगर ये सतपाल पेगा जी का कहना है कि हादसे में आज अगर किसी की मौत हो जाती तो उसका जिम्मेदार फिर होगा? मेरे पास सुनो, दिन में हादसा हो, रात को तो फिर आप कहते हैं, दिन में मैंने को कमरे में जाके टक्कर मार दो, क्या कर सकते हैं मैडम उस बारे में? काम चल रहे हमारा जिसमें जी, ठीक है मैडम। लेकिन सर एक बात बताइए सर, आपने पोल देखा है कभी आके कि कहाँ पे खड़ा है? मैंने पोल तो पता है मेरे को, लेकिन काम चल हम करें क्या मैडम जी, जब तक हमारे को क्लियर नहीं मिलती कैसे करेंगे भैया? ऊपर से मैंने डिमांड कर रखी है जो की पैसे आएंगे, पैसे हम भी उनको जमा करवाएंगे, लॉक कर देंगे आप। तो सर कुछ तो करवा देते, एक बात बताइए सर, या तो रोड बनवाने से पहले आपको उनको बोला होता कि रोड बनाया तभी करवा देते? रोड बनी का है, ये दोहरा काम चल रहा है हमारा, ये दोहरा काम अभी तक ये रोड बनी। लेकिन सर एक बात बताइए, अगर यहाँ पे हादसे हो जाते उस चीज का जिम्मेदार कौन रहेगा? मैडम सारी बात ठीक है आपके, मतलब हम तो अपनी कोशिश पूरी कर रहे हैं, उनको पता है, सब बात को पता है। ये तो सर आज एक सहयोग था कि जो दो आदमी उसमें थे अंदर, तो वो बच गए। तो आपकी बात ठीक है, एक्सीडेंट हुआ है, अच्छी बात नहीं है, अरे हम भी कोशिश कर रहे हैं। मैंने इनके, मेरे पास कल ही फोन आया था, मैंने तुरंत उसको कॉन्ट्रैक्टर को फोन किया, अगर वो कॉन्ट्रैक्टर से पैसे जमा कराते हम पैसे कल ही जमा करवा देंगे। तो सर अब ये बताइए मेरे को कि मतलब वो सही होगा, बस बच गए बंदे थे जो दोष के अंदर? मैडम माँ आपकी मान मिले, लेकिन मतलब आपको पता है जी, मैंने सरकारी काम है जी, हम अपना काम कर रहे हैं, बीजी बड़ो अपना काम कर रहे हैं जी। तो सर काम सरकारी काम है तो सर मेरे ख्याल से आज मौत हो जाती तो उस चीज की जिम्मेदारी कौन लेता सर, ये बता दीजिए। मैडम सारी बात ठीक है आपकी, हम सुन रहे हैं बात आपकी जी, लेकिन सर मैडम हमारे भी, मैडम हमारे पार्ट पे देखो ना, हम तो काम करें, पूरा अपना काम कर रहे हैं, हमने एस्टिमेट मांग लिया, एस्टिमेट उन्होंने दे दिया, पहले उन्होंने एस्टिमेट नहीं दिया था, एस्टिमेट अभी जस्ट हमारे पास आया 15-20 दिन पहले आया है, सतपाल जी को बताया भी था मैंने, उसके बाद हमने कोशिश करी भी इसको पैसे वैसे जमा करा दिया हम। कोई बात नहीं सर, सतपाल पेगा जी भी यही है बात कीजिए। हाँ जी संदीप जी नमस्कार जी। हाँ जी सतपाल जी, मैं आपको पता कितनी बार मैं अपने बिल मांगा और फिर उन्होंने नहीं दिया पीटीबल। हाँ सर जी, मैं थोड़ी आपने कह दी, मैंने भी कहने दो, हमने 20-25 दिन पहले प्रोफेसर जगदीश यादव PA2 दुष्यंत चौटाला हमारी पेगा गांव की गौशाला में आए थे, हमने गांव वालों ने उनके सामने मांग उठाई थी जी, ये हमारे गांव के 20-22 खंभे हैं फिरनी के, वो एक्सीडेंटल पॉइंट है, उन्होंने हमारे सामने लोकेश डागर जी से बात कही थी, उन्होंने कहा जी 80 मिनट थोड़ा लेट आता हम जल्दी करा देंगे, उन बातों को कम से कम भी 20-25 दिन हो गए। और SDO नुकुरा राहुल जी से मैं पर्सनली मिला था जाकर, उन्होंने कहा मास्टर जी हमने एस्टिमेट भेज दिया, ये हमारे चक्कर मत लगाओ, वहाँ से पैसे लगा दे तो हम पोल पार देंगे। प्रोफेसर जगदीश यादव ने फोन कर लिया, उसकी कोई सुनाई नहीं, ग्राम विकास मंच आप कितने बार आए मौका भैया, 4-5 सड़क पे का काम की मन लग रही है, एक मिनट बताओ। हेलो हेलो सर जी, हेलो सर जी, एक मिनट आपके पास मास्क एस्टिमेट कितने दिन पहले आया था? करीबन कितने दिन पहले आया था ये बता दो आप मेरे, कितने दिन पहले? आपने अभी बताया, आपने अभी बोला था 15-20 दिन पहले मेरे पास मास्क एस्टिमेट आया था, अगर एस्टिमेट आने के 15-20 दिन बाद आप ये काम करो हो तो इसकी लायबिलिटी आपकी ही रहेगी। डिमांड करती है जी,
तब तक आपने रोड ब्लॉक करके क्यों नहीं रखा भाई? ये एक्सीडेंटल पॉइंट है, इसको बंद करके रखांगे। जैसे कंस्ट्रक्शन का कहीं पे भी कार्य चला है रोड पे, तो आप बंद कर क्यों नहीं करे? आपने बैरिकेडिंग क्यों नहीं लगाई आपने भाई? निर्माण कार्य चालू है यहाँ पे। मैं सोनू वाली बोल रहा हूँ जी, खास हरियाणा से। मैं सिर्फ आपसे यूँ कहूँ, जिस भी साइट पर काम चला है उसके ऊपर बैरिकेटिंग लगाई जावे कि यहाँ निर्माण कार्य चालू है, कृपया धीरे चले कुछ दूरी पे। तो अगर आप कह रहे हो कि यहाँ पे निर्माण कार्य चालू है, तो आपने यहाँ पे जो दिशा निर्देश है वो क्यों नहीं लगाए? अगर दिशा निर्देश आपने हटा रखे हैं तो इसका मतलब आपका काम, आपने ही बोला था कि उसने मेरे को 15-20 दिन पहले एस्टीमेट भिजवाया है। तो हमने साल से ऊपर हो गई, 6 महीने, 7 महीने हो गए, उनको कैसे भाई तब क्यों नहीं दिया उन्होंने? नहीं, आने के बाद में आपने क्यों नहीं कराया वो तो बता दो। हमने डिमांड करके एलओसी की जी, हमने पैसे ऊपर मांग रखे हैं, वो पैसे ऊपर जाकर जमा करके हैं भाई। तो आपने रोड बंद क्यों नहीं, रोड बंद क्यों नहीं कराया फिर ये बता दो। पब्लिक क्यों चलने दी इस रोड पर, जिस पर एक्सीडेंटल पॉइंट पर आपने क्यों चलने दिया है पब्लिक को? नहीं नहीं नहीं, ऐसे थोड़ा है, जगह जगह निर्माण कार्य चल रहे हैं, वहाँ पर सारे के सारे बोर्ड वगैरह लगा कर उनकी वो करके डाइवर्ट करके हैं रूट। आप ये बोल रहे हो साथ में, तो आप बोल रहे हो कि काम पूरा कहाँ हुआ है? काम चल रहा है रोड पे। अगर काम रोड पे चल रहा है तो आपने बंद क्यों नहीं किया? अगर निपट लिया है तो ये खंभे क्यों नहीं पटवाए? रोड बंद कर सकते आप, देखो जी बोर्ड लगाती है, बोर्ड गोड़ी आते हैं, लगते हैं। नहीं नहीं नहीं, आप नहीं 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 नहीं, आप बिल्कुल नहीं बच सकते इन बातों, आपने बिल्कुल जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी जी, आपने जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, आपने गलती करी है जी। बिल्कुल बिल तो आलिया नहीं, यानी कि आपने इतना डिले क्यों किया है 20-25 दिन में? किसी भी खंभा दी पड़वाने खातर, किसी भी पोल दी पड़वाने खातर कितने दिन का समय लगा है आप ये बता दो। तो अगर उसके बीच में आपके जो कंस्ट्रक्शन कार्य पे किसी पब्लिक की हत्या हुआ है या फिर मैंने कोई एक्सीडेंट वगैरह हो जाए है, तो किसकी जिम्मेवारी है? क्योंकि उनती तो बिल दे दिया आपने 20 दिन पहले, उनती तो पल्ला झाड़ दिया भाई, हमने एस्टीमेट दे दिया था। फिर आपने बंद क्यों नहीं कराया रोड? रोड बंद करना चाहिए था आपने, आपने रोड बंद क्यों नहीं किया? जब आपने पता है इसमें सीधे खंभा में लगेगी और मोड़ के ऊपर है, कोई मोड़ पे ये उतर के नहीं देखता कि अगला अगली जगह कहाँ पे होगा। आपने बिल्कुल इस पर लगाना चाहिए कि आगे खंभा है, आपने बोर्ड गाड़ना चाहिए था कि आगे खंभा है, कृपया धीरे चले। बीच में खंभा में हमने गाइड रखे, हमारे पीसीआई को नहीं, जब पीसीआई जब पढ़वाओ ये टक्कर मारनी मार लियो तम, इस तरह की आप लिख देंगे जिस हिसाब से लिखनी चाहिए वो तो लिख देंदे कम से कम जी, या मेरी बात तो कोनी लिखी आपने, जुनसी लिखनी चाहिए वो भी कोनी लिखी आपने। तो नहीं, आपने यहाँ पर खतरा का निशान क्यों नहीं लगाया जी? जो आपने कहीं पे भी कोई लगाया है, कोई रेडियम टेप वगैरह लगाई हो जिससे किसी ने चमक जाए, या कोई और उससे पहले कोई भी किसी त्रिया का कोई लगा रखा बोर्ड वगैरह, तो जिम्मेवारी तो आपने लेनी पड़ेगी जी इसके। नहीं नहीं नहीं, इसके लिए आप जिम्मेदार हो, रहा आपने मान भी लिया है कि भाई जिम्मेदारी मारी है, गलती हुई है। हाँ हाँ, तब तक 20-25 लोग मर जाए, 30 मर जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपने तो पैसे तो मतलब है नहीं इस टाइम पे, तो क्योंकि बताओ आप एक का नाम बता दो बिजली बोर्ड वाला का जो आपको काम नहीं करने दे रहा हो, वो बताओ आप नाम दो किसी का बता, नहीं नाम दे दो आप बिजली बोर्ड वाला का नाम दे दो कि भाई वो मेरे को काम नहीं करने दे रहे, तो हम उसको देख लेंगे, आपका पेंडा छूटेगा जी। जब तक पैसे जमा नहीं होते काम नहीं करने
आप बताओ मेरे को कोई अधिकारी का नाम तो बताओ ना, उसके ऊपर ब्लेम तो लगाओ आप। जो मौके पे उन्हीं की बात कर रहा हूँ मैं, जो मौके पे वही नहीं कर रहे थे, जब तक पैसे जमा नहीं होते पूरे पैसे जमा कराओ, 1.5% जमा कराओ हमारे पास। कोई बात नहीं, उसकी नहीं, दो तरह गाड़ी होते हैं आपके पास, नहीं आपके पास मास्टीमेट 20 दिन पहले आ गया था, उसके बाद में ही हादसा हुआ है। तब तक तो आपने बोर्ड लगाना चाहिए था, तब तक आपने बोर्ड लगाना चाहिए था कि भाई यहाँ पर खतरा है, समझो ना इस बात ने। तो नहीं नहीं नहीं, आप पता है जी, आप जिम्मेवारी तो बिल्कुल नहीं बांध सकते जी, आप बिल्कुल भी जिम्मेवारी तो नहीं बांध सकते, आपने यह बात माननी पड़ेगी। आपकी बात की क्या नुकसान हुआ है, अरे ये देखो ना 6-7 महीने से पहले रोड चल रही हमारी, आज चल नहीं रही, चलते काम में लोग नहीं रुकते, क्या करें हम, चाहे बोल लगा जो मर्जी कर लो जी, लोग तो रुकते ही नहीं, आपको पता भी, आप भी आप अपनी तरफ तक कोशिश कब, आपने कब कोशिश करी है रोकने की ये बता दो। जब काम चलता मैं तो तब की बात कर रहा हूँ जी। आपने काम भी नहीं चल रहा है और रोड भी कंप्लीट था या फिर नहीं था तो आपने बोर्ड लगाना चाहिए था, ये बात आप बोल के ना बिल्कुल भी अपना सिर पर बोझ नहीं उतार सकते कि लोग अट दे नहीं, आपने कभी बोर्ड नहीं लगाया है। मानते हैं भी ठीक है, आशा हुआ है वहाँ पे, लेकिन आप भी बात समझो ना जी, आशा चलते काम हुआ, हमने काम तो कर रहे हैं, काम नहीं चल रहा हमारा, क्या करें हम जी। कभी आपने ये चेक करा कि ये खंभा जहाँ पर गड़ा है एक्सीडेंट किस उस पर पॉइंट पर आया है, जब आपके पास मास्टीमेट पहुंच गया तो उनकी तो सिर पर जी बोझ उतर है, लेकिन आपका सिर पर भी बोझ उतर गया जी। देखो हमारी बाकी कार्रवाई है नहीं, हमने पैसे मांग लिए ऊपर से, कोई बात नहीं जी, पैसे मांग रखे हैं जी, कम से कम फिर जो बीमा वगैरह बना दे करो, अगर गाड़ी वगैरह का नुकसान हुआ है, आदमी का नुकसान हुआ है, तो कम से कम इतनी तो जिम्मेवारी ले लो। अब कितने दिन में कर देंगे, आप कब उखाड़ दोगे जी इसको, ये बता दो। मैं तो कह रहा हूँ आज भी मैंने उसको उसी वक्त, मैंने मेरे पास पहले ही फोन आया था जी, मैंने उसी वक्त कह दिया ढाई लाख वो मैं उसके बिना सरकारी के पैसे जमा करवा के, तो जमा करवा के इसको काम शुरू कर दो। आप डेट दे दो जी, आप डेट दे दो, इस खंभा कब पटेगा या 5-7 लोग मर जाएंगे फिर उसके बाद में आप पड़वाओगे ये बता दो। इसका मतलब लाशों के साथ में सौदा होगा जी, क्योंकि आपने तो पैसे को ज्यादा प्रायोरिटी दे दी, फिर यही तो बात है नहीं, क्योंकि लोग मरे तो मरे, आपको पैसे चाहिए, आप ये लायबिलिटी अपनी नहीं समझते सर। फिर कम से नहीं, कम से कम ये तो समझो ना, इंसानियत के नाते तो आप इस तरह से कर भी सको हो, आपकी जिम्मेवारी बना है, आप इसको उखड़वा सको हो। संदीप सचदेवा जी, हाँ जी संदीप सचदेवा जी, ये इस खंबे के बारे में और फिरने वाले खंबे के बारे से मैं 6 महीने से आपके संपर्क में हूँ, ठीक है, कई बार अपनी हमारी एक मिनट हमारी आपकी हमने सचदेवा जी एक बार जो बात करना चाहूँ वो सुन लो, फिर आप कुछ कह लियो। आपने कभी भी पेगा गांव में आकर सड़कों के बारे में खंभों के बारे में कभी आपने साइड विजिट नहीं करी, कभी गांव वालों से नहीं मिले, कभी ग्रामीण विकास मंत्री पेगा ने पत्रकारों के माध्यम से आपके पास अपने खबर पहुंचाई, हम हर जगह रोए, हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई, आपकी क्या जिम्मेदारी है, मुख्यमंत्री का हल्का उठते हो, अभी आप लापरवाही बन रहे हो, कल हम डीसी का पेश होंगे, ये जिसको कहाँ कर रहे हो कार्रवाई, आप मैंने आपको कह दिया, आपने जय को कह दिया, जय ने सुपरवाइजर को कह दिया और सारे सामने अपने घर चले गए, और कभी आई मेरे पास रिप्लाई आपकी कि मास्टर जी हम इस पॉइंट पर पहुंच गए हैं और इस पॉइंट पर गांव वाले आप भी पहुंचो, आप इतना इतना काम हम करेंगे, इतना गांव वाले सहयोग करेंगे। मैं सतपाल बोल रहा हूँ सर, मैंने कभी बात कर लिया, आपने कभी लोगों ने बात नहीं करी, कई बार तो आप फोन नहीं उठाते, हम तो जो समस्या होगी नहीं, अगर जो समस्या होगी ना आप नहीं सुनोगे नहीं, हम पत्रकार भाइयों के माध्यम से हम चंडीगढ़ पहुँचाएंगे, हमारी कोई सुनो ना सुनो, लेकिन हम चैन से नहीं बैठेंगे। हाँ मैंने बात कर लिया आपसे, आपने एक बार नहीं फोन लिया मेरे पास, इसका इसका जल्द निवारण कर दो जी। हेलो सर, इसका जल्द निवारण कर दो और इनकी सवेरे तक पुड़वा दो, नहीं तो फिर ऐसा ना हो कि लगातार, क्योंकि खंभा बीच में पड़ा है जी, खंभा सड़क के बीच में पड़ा है, इसका ऊपर और भी आवेंगे और एक्सीडेंट और भी होवेंगे जी, खंभा बीच में पड़ा है, टूट गया, गाड़ी का ऊपर गिर गया है यू, मैं तो हाँ सवेरे तक यू उरत अटवा दो जी,
ऐसा नहीं होना चाहिए कि इस त्रिया का नेगेटिव पॉइंट ऊपर तक चला जाए और किसी न किसी का पेट पर लात लग जाए। आपसे पहले ही मैंने 11 बजे इसको तो पढ़वा दो प्राथमिकता का। और जो 20-22 खंबे और बता रहे हैं जो सड़क का बीच में है वो सारे पढ़वा दूंगा जी, इनको कोई भी हमारे को रोके ना, ये बिजली बोर्ड वाले, ये बिल्कुल नहीं कोई रोका गई, पढ़वा दो, नहीं तो इसे ना हो जी खमन खाई आपको ऊपर भी गाज गिरे और हमने कुछ और करना पड़े। देखो हमें तो बिजली बोर्ड रोकते हैं ना, इनको मना कर दो, हम सारे पढ़वा दो, कोई बात आप नाम दे दो ना, आप नाम तो दो ना किसी का भाई, वो रोक रहे हैं कोई बात नहीं, आप मौका पाइए पत्रकारों को बुलाइए उस भी जवाब करांगे, आपने कौन रोका वो भी देख लेंगे। ठीक है ओके ठीक है भाई सुन लिया, ये बात बता दियो कि कुछ है यूँ।